السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درو شریف پڑھ لیجئے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو حضور کی یاد سے دل کو نہیں بہلاتے، درود شریف نہیں پڑھتے، ہمارے نبی کی نقل نہیں اتارتے، فرمایا وہ تو زندگی کا لطف نہیں پاتے. لطف کہتے ہیں مزہ کو. ہر چیز کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے. پھل فروٹ کا اپنا مزہ، ڈرائی فروٹ کا اپنا مزہ، کھانے کا اپنا مزہ، سبزی کا اپنا مزہ، گوشت کا اپنا مزہ، ڈرائی فروٹ میں بھی کاجو کا اپنا مزہ، بادام کا اپنا مزہ، پستے کا اپنا مزہ، آئس کریم میں بھی چاکلیٹ آئس کریم کا جو الگ الگ فلیور ہے، ہر ایک کا اپنا مزہ اور ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. فرمایا اسی طرح زندگی کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے، ایک لطف ہوتا ہے. یہ زندگی کا لطف جو ہے یہ کس کو نصیب نہیں ہوتا؟ فرمایا جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. اور جو حضور کی یاد سے اپنے دل کو بہلاتے ہیں، درود شریف کثرت سے، محبت کی زبان سے پڑھتے رہتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور سیرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہمارے نبی کی نقل اتارتے ہیں، سنتوں پر عمل کرتے ہیں، درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، ان لوگوں کا تو کیا کہنا. فرمایا وہ لوگ تو زبان پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، وہ لوگ تو زبان پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. ان کے دل تو یوں سمجھیے کہ غم پروف ہو جاتے ہیں، جس طرح واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے اور کمپنی گارنٹی دیتی ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں ریل بھی آ جائیں، باڑھ بھی آ جائیں، اللہ حفاظت فرمائے، کمپنی کہتی ہے اس کے باوجود اس گھڑی کے اندر پانی نہیں پہنچ سکتا. کیا بات ہے کا واٹر پروف گھڑی ہے، کمپنی اس کی گارنٹی دیتی ہے. جو ہمارے نبی کی نقل اتارتے ہیں، عاشق رسول ہوتے ہیں، درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں، سیرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، یوں سمجھیے کہ ان کا دل جو ہے وہ غم
प्रूफ हो जाता है, उनको परेशानियां ऐसा नहीं कि नहीं आती, हालात उन पर भी आते हैं, लेकिन गम दिल के बाहर रहता है, दिल में नहीं आता, इसलिए वो लोग परेशान नहीं होते। जुबां पर शिकवा ए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। अल्लाह तबारक व ताला हमें भी दुरूद शरीफ को पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। हमें चाहिए कि हम दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ें, मोहब्बत के साथ पढ़ें, दिल की हाजिरी के साथ पढ़ें, अदब के साथ पढ़ें, अजमत के साथ पढ़ें, और इस इस्तेहजार के साथ पढ़े कि मैं यहां हूं, मेरा दिल मदीने में है। हुजूर की कुर्बानियों को याद करते हुए पढ़े, बदर का वाकया याद करते हुए पढ़े, उहुद का वाकया याद करते हुए पढ़े, खंदक का वाकया याद करते हुए पढ़े, वो खैबर का वाकया याद करते हुए पढ़े, सुलह हुदैबिया वाला वाकया याद करते हुए पढ़े, वो बैते रिजवान वाला वाकया याद करते करते पढ़े, फतेह मक्का वाला वाकया याद करते करते पढ़े, शेबे अभी तालिब वाला वाकया याद करते करते पढ़े, ताइफ का सफर याद करते करते पढ़े, हमारे नबी की सीरत को सामने रखें और मोहब्बत की जुबान से बहुत ही अच्छा यानी क्वालिटी वाला हम दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह के यहां क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी नहीं देखी जाती। हम लोग भी जब सामान लेने जाते हैं तो क्वालिटी देखते हैं, ये कैसा है, हर चीज में क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी नहीं देखते। अल्लाह के दरबार में भी क्वालिटी देखी जाती है। मेरे अजीजो, ये जिंदगी मुख्तसर है, बहुत थोड़ी सी है। हमारे परदादा, उनके अब्बा चले गए, अब जो है मेरी और आपकी बारी है, मेरी और आपकी बारी है। जनाजा जब कब्रस्तान से खाली हम लोग लेकर आते हैं, वो खाली नहीं होता, वो जुबान हाल से मुझे और आपको ये कह रहा होता है कि जाने वाले को तो पहुंचा दिया, अब आपकी बारी है। मेरा अजीजो, मुझे और आपको जाना है। जिंदगी जो है ये बहुत मुख्तसर सी है, हमें चाहिए कि इस जिंदगी को हम कीमती समझे, क्योंकि ये जिंदगी एक मर्तबा हाथ से निकल गई तो दोबारा हमारे हाथ नहीं आने वाली। अल्लाह तबारक व ताला हमें जो है सही समझ अता फरमाए और आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारने की अल्लाह हमें तौफीक और सआदत अता फरमाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि दुरूद शरीफ जब भी पढ़े वो मोहब्बत की जुबान के साथ पढ़े, अदब से पढ़े, अजमत के साथ पढ़े, और हमें ज्यादा पढ़ना है, क्वांटिटी के साथ पढ़ना है, लेकिन हो वो क्वालिटी वाला। अल्लाह ताला हमें इसकी जो है तौफीक अता फरमाए और दुरूद शरीफ की मोहब्बत अल्लाह करे कि हमारे दिल में आ जाए और हम कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश करें। देखो, जब बंदा कोई नेकी का काम करता है तो नेकी लिखने वाला फरिश्ता नेकियां लिखता है, और जब बंदा कोई गुनाह का काम करता है तो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता गुनाह लिखता है। लेकिन दुरूद शरीफ ऐसा जामे और कीमती अमल है कि बंदा जब दुरूद शरीफ पढ़ता है तो दोनों फरिश्ते मशगूल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर बंदे ने पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नेकी लिखने वाला फरिश्ता जो है वो 10 नेकियां लिख देता है, और गुनाह लिखने वाला फरिश्ता जो है वो 10 गुनाहों को मिटा देता है। ये दुरूद शरीफ ऐसा जामे और कीमती अमल है, और ये तमाम अल्लाह वालों का
मुत्तफ़का वजीफा है, चाहे सहाबा हो, ताबिईन हो, तबे ताबिईन हो, अवलिया इज़ाम हो, मुहद्दिसीन हो, मशाइखीन हो, फुकहा हो, साहिब निस्बत अकाबिरीन हो, जितने अल्लाह वाले गुजर गए, जितने अल्लाह वाले हैं, ये सारे हजरात का मुत्तफ़का वजीफा है। और जितने अल्लाह वाले कयामत तक आएंगे वो भी दुरूद शरीफ का एहतमाम करने वाले होंगे। दुरूद शरीफ को हम मामूली न समझे, ये बहुत अहम चीज है, ये बहुत जो है वो कीमती चीज है। एक एक मर्तबा दुरूद शरीफ इंसान को कहां से कहां ले जाता है, इंसान को कहां से कहां ले जाता है। अल्लाह ताला हमारे दिल में दुरूद शरीफ की मोहब्बत डाल दें और अल्लाह हमें समझा दें कि हमें जो है दुरूद शरीफ का एहतमाम करना चाहिए। मेरा अजीजो, दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे, वक्त वसूल होता रहेगा। याद रखना, इंग्लैंड में पाउंड डॉलर चलते हैं, अमेरिका में डॉलर चलते हैं, फ्रांस में यूरो चलते हैं, तो सऊदी अरब में रियाल चलते हैं, दुबई में दिरहम चलते हैं, तो कब्र में अच्छे आमाल चलते हैं। कब्र की करेंसी, आखिरत की करेंसी जो है वो अच्छे आमाल है। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, वरना आंखें बंद होगी, जब हकीकत की आंखें खुलेगी उस वक्त बहुत अफसोस होगा, लेकिन उस वक्त का अफसोस काम नहीं आएगा। और एक बात याद रखना, वहां समाचार काम नहीं आएंगे, समाचार काम नहीं आएंगे, और ये गेम काम नहीं आएगी, और ये मोबाइल का फजूल इस्तेमाल ये काम नहीं आएगा। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। अल्लाह कयामत के दिन ये नहीं पूछेंगे कि कोरोना वायरस में चीन में कितने लोग मरे थे, तुर्की में कितने लोग मरे थे, फुला इलाके में कितने लोग मरे थे, अल्लाह ये नहीं पूछेंगे। तो जो सवाल होने वाला नहीं, उसके पीछे हम अपने वक्त को क्यों जाये करें, क्यों टेंशन लें, और क्यों अपने हुस्ने जन को जो है वो लोगों से खराब करें, क्यों लोगों की गीबतें सुने। अक्सर समाचार पे गीबतें हो रही होती है, किसी की पीठ पीछे ऐसी बात करना कि उसको पता चले तो बुरा लगे, ये गीबत है। कितनों की गीबत हो रही होती समाचार पर, उसने यूं किया, उसने यूं किया, उसने यूं किया। और गीबत के बारे में आपको मालूम है कि गीबत का हाल रोमिंग की तरह है, जितना करने वाला गुनहगार इतना ही जो है वो सुनने वाला भी गुनहगार। ये बड़ा रोमिंग है। अल-गीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना, गीबत तो जिना से भी ज्यादा सख्त चीज है। अफसोस है उन पर जो बार बार समाचार देखते रहते हैं, अपने वक्त को जाये करते हैं, और अपने ईमान को जो है वो खराब करते हैं, कमजोर करते हैं, और उसके नतीजे में फजर की नमाज के उनके जो है मसले खड़े हो जाते हैं। मैं आप हजरात से हाथ जोड़ के कहता हूं, आपको अल्लाह का वास्ता, समाचार पर अपने वक्त को जाये न करें, लोगों की गीबतें न सुने। ए इंसान, तू किसी के ऐब को बेनकाब न कर। ए इंसान, तू किसी के ऐब को बेनकाब न कर, खुदा उसका हिसाब करेगा, तू उसका हिसाब न कर। हर एक का मामला अल्लाह के साथ है। आखिरत की तैयारी करें, अपनी मौत भूल गए। उन लोगों पर भी अफसोस है जो क्रिकेट के पीछे अपनी जिंदगी जाये कर रहे हैं, पिक्चरों के पीछे अपनी जिंदगी जाये कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा तबका वो है जो दोस्तों में बैठ रहे हैं। ये लॉकडाउन का जो वक्त है, ये आखिरत की तैयारी का वक्त है। ये अल्लाह ताला ने एक हमें मौका दिया है आखिरत की तैयारी के लिए, हम इसको वसूल करें। कितने लोग ज्यादा कुरान पढ़ रहे हैं, कितने लोग ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, कितने लोग कुरान शरीफ की तफसीर सुन रहे हैं, कितने लोग अपने मुसल्ले पर ज्यादातर वक्त बैठे रहते हैं, कितने लोग हैं जो लॉकडाउन के जमाने में अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर रहे हैं और बीवी के साथ जो है एक मोहब्बतों भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। और इसी में एक नौजवानों का वो तबका भी है जो रात लेट लेट तक अपने दोस्तों के साथ बैठा रहता है। अफसोस की बात है, ये पिकनिक का वक्त नहीं, कोरोना वायरस ये आदाब की एक शक्ल है, मुसल्ले पर बैठने का वक्त है।
अल्लाह को मनाने का वक्त है, अल्लाह को राजी करने का वक्त है, अल्लाह से सुलह करने का वक्त है, अपने दिल की तार अल्लाह से जोड़ने का वक्त है, मोबाइल को कम से कम लेने का वक्त है। हमारा ज्यादा वक्त मोबाइल पर गुजरता है, जितना वक्त मोबाइल को देते हैं इतना वक्त अगर अपनी फैमिली को दे देते हैं तो घर में बहार आ जाती, घर के झगड़े खत्म हो जाते, घर में खुशगवार माहौल कायम हो जाता और अल्लाह खुश हो जाता। कितने वो लोग हैं जिनकी फैमिली तड़पती थी कि शोहर हमें वक्त नहीं दे पा रहे, और अभी कितना अच्छा वक्त है फैमिली को वक्त देने का, बच्चों की अच्छी तरबियत करने का, बच्चों को लेकर बैठने का। अब जो बाप जो भाई मोबाइल लेकर बैठा रहता हो वो अपने बच्चों की तरबियत क्या करेगा, वो अपने घर वालों की तरबियत क्या करेगा, उसका तो खुद का ही वक्त गफलत में गुजर रहा है और दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में बढ़ रही है और उसको सब पता है यहां क्या हुआ वहां क्या हुआ। मेरा अजीज क्या भूल गया कि अल्लाह तुझे देख रहे हैं? क्या तू अपनी मौत को भूल गया? क्या उस वक्त को भूल गया जिस वक्त मुझे और आपको गुसल दिया जाएगा? क्या हम वो वक्त भूल गए जब मुझे और आपको कफन पहनाया जाएगा? क्या हम वो वक्त भूल गए जब मुझे और को दफन किया जाएगा? 15-20 मिनट में कब्रिस्तान में सन्नाटा छा जाएगा और जो रखने आए थे वो कहेंगे कि यहां तक आपको पहुंचाना था, हमने पहुंचा दिया, आगे आप जाने और आपका अल्लाह जाने। क्या कब्र की तैयारी हो चुकी है? क्या आखिरत की तैयारी कर ली है? कब्र में रोशनी हो जाए और कब्र में जो है कब्र में जन्नत की खिड़की खुले और एसी से कई गुना शानदार जो है वो ठंडक मिले और वो खुशबू मिले और वो बहारें मिले, क्या उसकी तैयारी हो चुकी है कि हम समाचार पे लोगों की गीबत सुन रहे हैं? अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, समाचार के पीछे अपने वक्त को जाया न करो, समाचार के पीछे अपने वक्त को जाया न करो। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। एक बहुत बड़ा मजमा तो पूरा पूरा दिन टीवी पे गुजार देता है और हमारे बच्चे जोनी जोनी देखने में, कार्टून देखने में पूरा दिन गुजार देते हैं और माँ बाप भी ये सोचकर कि बच्चा खामोश हो जाता है वो भी गफलत के साथ वक्त गुजार रहे। अल्लाह ताला मुझे भी माफ फरमाए, हम तमाम को माफ फरमाए। मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि दुरूद शरीफ जो है ये बहुत ही अहम चीज है। एक एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना ये इंसान को कहां से कहां ले जाता है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई, जरा ध्यान से सुने, दिल के कानों से सुने। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई, आकर कहा हजरत मेरी बेटी का इंतकाल हो चुका है, मैं उसे ख्वाब में देखना चाहती हूं। हजरत ने फरमाया तू ईशा की नमाज के बाद सोने से पहले 4 रकात नफल पढ़, हर रकात में सूरह फातिहा के बाद अल्हाकुमुत तकासुर ये पूरी सूरत पढ़ और तू दुरूद शरीफ पढ़ती पढ़ती सो जा। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह तुझे तेरी बेटी ख्वाब में नजर आएगी। उसने कहा बहुत अच्छा हजरत, जज़ाकुमुल्लाह। वो रात सोने से पहले उसने अमल किया, दुरूद शरीफ पढ़ती पढ़ती सो गई, अपनी बेटी को ख्वाब में देखा कि सख्त अजाब हो रहा है। अब माँ बाप तो दुनिया में बच्चों को तड़पता हुआ नहीं देख सकते, तो जिस माँ ने यह देखा हो कि मेरी बेटी ख्वाब में तड़प रही है वो माँ तो चौंक के उड़ गई, बेचैन हो गई, हजरत के पास आई और कहने लगी हजरत आपने जो अमल बताया था वो अमल मैंने किया, अल्लाह का फजल हुआ, मैंने मेरी बेटी को ख्वाब में देखा, लेकिन हजरत मैंने बहुत अजीब मंजर देखा कि मेरी बेटी जो है वो सख्त अजाब में तड़प रही है। मैं माँ बाप से कहना चाहता हूँ अपने बच्चों पर एक नजर ऐसी डालो कि ये बच्चे एक दिन मर जाने वाले हैं, इनका इंतकाल होने वाला है। जिस तरह हमारे परदादा उनके अब्बा दुनिया से गए हैं, ऊपर की नस्लें नीचे की नस्लें भी दुनिया से जाएगी, हमें भी जाना है, हमारे बच्चों को भी जाना है, पोतों को भी जाना है, नवासों को भी जाना है, नवासियों को भी जाना है, हमारे नाना को भी जाना है, दादा को भी जाना है, हमारे भाई को भी जाना है, हमारी बहन को भी जाना है, पूरे नवसारी में पूरी दुनिया में कोई एक इंसान और कोई एक जिन्नात बाकी नहीं रहेगा, हरेक को दुनिया से जाना है। क्या हमारे बच्चे नहीं जाएंगे? बच्चों पे एक नजर ये भी तो डालो ताकि इनकी आखिरत के बारे में सोचे।
बच्चों की आखिरत के बारे में सोचें और हम जो है अपनी नीयत को जरा चेंज करें और अपने बच्चे को हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, दीन का दाई और अल्लाह का वली बनाएं। इंशाल्लाह एक मजलिस किसी वक्त में, एक दो दिन में मस्तूरात से भी कुछ बात करेंगे, बच्चों की तरबियत के उन्वान पर इंशाल्लाह एक मजलिस करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अगर जिंदगी रही इंशाल्लाह जरूर इस टॉपिक पर भी एक मजलिस करेंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, उसने हजरत के पास वो औरत आई और आकर कहा, हजरत मैंने ख्वाब देखा कि मेरी बेटी जो है वो सख्त आजाब में है, कब्र के आजाब में गिरफ्तार। हजरत ने कहा सदका दे, क्योंकि सदका जो है ये बलाओं को टाल देता है। उसने सदका दिया होगा। हजरत आराम के लिए लेटे, ख्वाब देखा, ख्वाब में जन्नत को देखा, जन्नत के वो खुशनुमा और खूबसूरत जो है वो मनाजिर देखे हजरत ने। उसमें एक लड़की ने आके हजरत को सलाम किया और कहा, हजरत आप मुझे जानते हो? हजरत ने कहा मैं तो तुझे नहीं जानता। कहने लगी कि वो कल को जो मेरी माँ आई थी ना आपके पास, मैं उन्हीं की बेटी हूं। हजरत ने कहा कि तेरी माँ तो यूं कह रही थी कि तू सख्त आजाब में है और मैं देख रहा हूं कि तू सब्ज़ बागात में। कहने लगी हजरत मेरी माँ बिल्कुल सही कह रही थी, मैं अकेली नहीं, हम लोग 70,000 लोग, 70,000 लोग सख्त आजाब में गिरफ्तार थे। फिर क्या हुआ? कहा हजरत एक अल्लाह के वली का हमारे कब्रस्तान के पास से गुजर हुआ और उन्होंने एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़कर हम सबको बख्श दिया। अल्लाह ने हम 70,000 की मगफिरत फरमा दी। दुरूद शरीफ कोई मामूली चीज है? अल्लाह वाले कोई मामूली चीज है? अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरा अजीजों कोशिश करो कि हम अल्लाह वाले बन जाएं, हम अल्लाह के वली बन जाएं। ये हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। वली कहते हैं दोस्त को। कोई है जो यूं कहता हूं मैं अल्लाह का दुश्मन बनना चाहता हूं? कोई नहीं है। तो फिर क्या चाहते हैं? तो कहा दोस्त बनना चाहते हैं। और दोस्त को क्या कहते हैं? तो कहा वली। अल्लाह की नाफरमानी ना करें, उसको राजी करने वाले काम करें, अल्लाह हमें अपना वली बना लेगा, गुनाहों से बचे। बहुत आसान है अल्लाह का वली बनना। अल्लाह मुझे भी बनाए और आप तमाम हजरात को बनाए। विलायत के दरवाजे खुले हुए हैं, वो वली बनाने के लिए तैयार है। कहां है वली बनने की तलब रखने वाले? कहां है इसकी दुआ करने वाले? कहां है नेक अमाल करने वाले? कहां है गुनाहों से बचने वाले? कहां है अपने वक्तों की हिफाजत करने वाले? कहां है अपनी आंख की हिफाजत करने वाले? अपने कान की हिफाजत करने वाले? जुबान को इस सही संभाल कर चलाने वाले? जुबान तो हर कोई रखता है, मगर कमाल वो करता है जो इसको संभाल के रखता है। इस जुबान से दिल जीते भी जा सकते हैं और इस जुबान से दिल चीरे भी जा सकते हैं। दिल जीतने का काम करें, दिल चीरने का काम न करें। जब भी बोले मीठा बोले। तो मेरा अजीज और दुरूद शरीफ बहुत कीमती चीज है। मेरे एक दोस्त मरहूम हो चुके हैं, 31 साल की उम्र, रोजाना 5,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। मैं यहां पर जो है एक बात कहना चाहता हूं, वो बुजुर्ग ने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के बख्शा, अल्लाह ने वो 70,000 की मगफिरत फरमा दी थी। कब्रस्तान में हमारे बहुत से रिश्तेदार, बहुत बड़ा मुसलमानों का एक मजमा माशाल्लाह वो है जो इस बात के लिए तरस रहा है कि काश हमें कोई साले सवाब करें। कितने वो है जिनके माँ बाप से चले गए, दादा दादी चले गए, नाना नानी चले गए, बेचारे वो एक इंतजार में है कि हमारे बच्चे हमको पढ़ के बख्शेंगे। लेकिन उनको क्या पता, बच्चे तो जो है अच्छा अच्छा खाने में मशगूल, मोबाइल में मशगूल, समाचार में मशगूल, चीजों दुनिया की मोहब्बत में मशगूल, हाय पैसा करने में मशगूल। बच्चों को माँ बाप की फिक्र कहां? मेरा अजीजो अपने माँ बाप को ना भूलो। अगर आज हम अपने बड़ों को इसाले सवाब नहीं करेंगे
तो कल को हमको भी कोई इसाले सवाब नहीं करेगा। अगर हम किसी को इसाले सवाब नहीं करेंगे फिर हमें भी कोई इसाले सवाब करने वाला शायद ना होगा। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करना चाहता हूं कि सुबह शाम इसाले सवाब करने की कोई तरतीब बनाए। एक मरतबा सूरह फातिहा और तीन मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, दो तीन मिनट का अमल, आगे पीछे तीन तीन मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुरूद शरीफ पढ़ लें, सूरह फातिहा पढ़ लें, तीन मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें और बड़े पैमाने पर इसाले सवाब कर दें। अल्लाह से तीन बातें कहें, अल्लाह ये जो मैंने पढ़ा इसको कबूल फरमा, जो गलती हो गई इसको माफ फरमा, इसका सवाब जितने ईमान वाले चले गए, जितने हैं, जितने कयामत तक आएंगे, अल्लाह सबको इसका सवाब पहुंचा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसा नहीं कि हर एक को थोड़ा थोड़ा सवाब पहुंचेगा, ना 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 ना। एक क्लिप, एक समझो कि एक बयान हम यहां से फॉरवर्ड करते हैं ग्रुप पर, ऐसा नहीं होता कि हर एक को थोड़ा थोड़ा पहुंचता है, हर एक को पूरा पूरा पहुंचता है। हम फॉरवर्ड करें तो पूरा पूरा पहुंचे, तो क्या अल्लाह इस पर कादिर नहीं कि हर एक को पूरा पूरा सवाब पहुंचाए? इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो सुबह शाम फजर की नमाज के बाद, मगरिब के बाद, पूरे दिन में दो मरतबा तरतीब बनाए, तीन मरतबा दुरूद शरीफ, सूरह फातिहा, तीन मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, फिर तीन मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के इसका सवाब। ए अल्लाह जितने ईमान वाले चले गए, जितने हैं, जितने कयामत तक आएंगे, अल्लाह सबको इसका सवाब पहुंचा दे और इसकी बरकत से तू पूरी दुनिया वालों को हिदायत दे दे। मेरे अजीजों, आखिरत की बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी हो जाएगी। बल्कि कुरान शरीफ का एक पारा पढ़ा, फौरन इसको इसाले सवाब कर दे बड़े पैमाने पर। अल्लाह ये जो मैंने पढ़ा इसमें जो गलती हुई माफ फरमा, इसको अपने फजल से कबूल फरमा और इसका सवाब जितने ईमान वाले दुनिया से चले गए हजरत आदम अलैहि सलाम से लेके अभी तक, और जितने हैं और जितने कयामत तक आएंगे, अल्लाह सब को इसका सवाब पहुंचा दे। पता नहीं कितने मरहूमों की अल्लाह हमें दुआ मिलेगी। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, ईसाले सवाब करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं तो यार्ज कर रहा था कि मेरे एक दोस्त मरहूम हो चुके, रोजाना 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे। हम कितनी मरतबा पढ़ रहे हैं? हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से तशरीफ ले गए, रोजाना 12000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे। 12000 मरतबा, महीने में 360000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे। क्या हम सिर्फ पैसा ही गिनते रहेंगे? क्या हाय दुनिया ही हाय दुनिया करते रहेंगे? या कुछ हम आखिरत का भी सोचे? आखिरत को सामने रखकर हम अपनी जिंदगी गुजारने की जो है वो कोशिश करें। अल्लाह तबारक व ताला हमें सही समझ अता फरमाए। मदीना मुनव्वरा में एक खादिम से मुलाकात हुई जो मस्जिद नबवी के बाहर सफाई कर रहे थे। उनके हाथ में अंगूठी वाली डिजिटल तस्बीह थी। मैंने उनसे मालूम किया तो वो कहने लगे, मौलाना मैं हर महीने 1,00,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता हूं, हर महीने 1,00,000 मरतबा। हम भी अगर रोजाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3,500 मरतबा के करीब पढ़ लेंगे रोजाना, बहुत आसान है। अगर हम तय कर लें तो बहुत आसान है, अगर हम तय ही ना करें तो फिर बहाने हजार हैं। हर महीने 1,00,000 मरतबा दुरूद शरीफ वो पढ़ते थे। अभी एक जगह जाना हुआ 2 हफ्ते पहले, एक शख्स से मुलाकात हुई। वो कहने लगे, मौलाना अल्लाह का एहसान है, रोजाना पाबंदी से मैं 30,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता हूं। 2 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूं, 30,000 मरतबा। मौलाना कभी कभार 50,000 भी हो जाते हैं, मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मुझे 50,000 से ज्यादा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैंने उनसे कहा, हजरत आप मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे इतने ही पढ़ लेने की तौफीक अता फरमाए। वो 50,000 से ज्यादा की दुआ करवा रहे हैं। मैंने कहा ये कब से शुरू किया? बोले 8-10 साल पहले मक्का मुकर्रमा हज में जाना हुआ था, वहां अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह दुरूद शरीफ की मोहब्बत डाल दे, और खुलासा ये है कि दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ने की तौफीक अता फरमा। वो दिन आज की घड़ी 10 साल के करीब का अरसा हुआ, तहज्जुद के बाद से शुरू करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी से 30,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता हूं, 50,000 तक भी हो जाते हैं, और मौलाना 1,000 मरतबा
अलावा दुरूद इब्राहिम अलग से पढ़ता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा, कैसे कैसे आशिक लोग हैं मेरा अजीजो। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सोचे अपने बारे में, हम कितनी मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। मोबाइल को लेना जरा कम कर दे, हाय दुनिया थोड़ी सी कम कर दे, आखिरत को सामने रखें, मौत को सामने रखें, मरना है उसको सामने रखें, समाचार तो बिल्कुल ही बंद कर दें और लोगों की गीबतें सुनने से बचें, दुरूद शरीफ पढ़ें, तस्बीहात का एहतमाम करें। अल्लाह तबारक व ताला हमें दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाएं। मैं आप हजरात से कहना चाहता हूं कि हम जो है कसरत से हर महीने में 1,00,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए आसान फरमाएंगे। दुरूद शरीफ से हमारे दिल के अंदर नूरानियत आएगी और ये वो नूरानियत है जो हमें शरीयत और सुन्नत पे चलाएगी। क्वालिटी वाला दुरूद शरीफ पढ़े, मोहब्बत की जुबान से पढ़े, इस तसव्वुर के साथ पढ़े कि मैं यहां हूं, मेरा दिल मदीने में है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह खुश हो जाए ऐसा पढ़े। अल्लाह ताला हमें भी आशिक रसूल बनाए, दुरूद शरीफ को कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क कुल्लिहिम। प्यारे अल्लाह रहीम वला करीम आका, अल्लाह जी बेशक हम बहुत ही बड़े गुनहगार है, हम छोटे गुनहगार नहीं, बड़े गुनहगार है, खताकार है, मुजरिम है, पापी है। प्यारे अल्लाह आप हमें माफ फरमा दीजिए, अल्लाह हमें माफ कर दीजिए। जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गफलत में हाय दुनिया करते करते अल्लाह गुजर चुका है, गीबतें सुनते सुनते, गीबतें करते करते, बदनजरी करते करते, हाय दुनिया करते करते, दुनिया की मोहब्बत के साथ जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजर चुका है। अल्लाह हमें माफ कर दीजिए। अब जो जिंदगी बाकी है वो आपकी याद के साथ, आपकी मोहब्बत में, आपके इश्क में गुजारने की हमें तौफीक अता फरमाइए। आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह दुरूद शरीफ हमें मोहब्बत की जुबान से कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। प्यारे अल्लाह इस मजलिस के फैज को ता कयामत खूब आम और ताम फरमा। हम सब को अपनी मोहब्बत अता फरमा, हमें अपना इश्क अता फरमा, हमें अपना कुर्ब अता फरमा, दर्द दिल अता फरमा, उम्मत की फिकर, उम्मत का गम, उम्मत का दर्द, उम्मत की कुड़ान अता फरमा। हमें दीन की मुबारक मेहनत के लिए अल्लाह दूर के लिए, देर के लिए, सारे आलम के लिए इखलास के साथ अपने फजल से कबूल फरमा। जब हमारे दुनिया से जाने का वक्त हो ए अल्लाह खात्मा बिल खैर अता फरमा। हम जुबान पे, हमारी जुबान पे कलीमा तैयब हो और दिल में आपकी याद हो। प्यारे अल्लाह इस हाल में आपके दरबार में आ रहे हो कि आप हमें देखकर मुस्कुरा रहे हो और हम आपको देखकर मुस्कुरा रहे हो, ऐसी काबिल रश्क जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आज तो शब जुमा है, ए अल्लाह शब जुमा और यौमुल जुमुआ में तो वैसे भी दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ने चाहिए। ए अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाइए। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, कहने सुनने में कुछ कमी ज्यादती गलती हो गई हो अपने फजल से माफ फरमा। शबे जुमा और यौमुल जुमुआ की बरकतें अता फरमा। ए अल्लाह ये कोरोना वायरस के अजाब को टाल दे, ये कोरोना वायरस के अजाब को टाल दे, उम्मत के हाल पर रहम फरमा दे, पूरी दुनिया वालों के हाल पर रहम फरमा दे, सबको हिदायत दे दे, ये इसको हिदायत के फैलने का जरिया फरमा दे। ए अल्लाह सबको ईमान दे दे, अल्लाह आप सबको ईमान दे दीजिए, सबको हिदायत दे दीजिए, सबसे खुश हो जाइए, आप सबसे राजी हो जाइए, सबको अपनी मोहब्बत दे दीजिए। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इंशाअल्लाह आइंदा कल भी रात जो है 10 बजे ये मजलिस होगी ऑनलाइन, 10 से 10:30, और आइंदा कल का टॉपिक रहेगा, मौजू रहेगा मौत की याद। आप हजरात भी सुने और दोस्त अहबाब को भी जो है लिंक फॉरवर्ड करें ताकि वो भी सुने
और आज की मजलिस की क्लिप भी इंशाल्लाह कल जो है व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर आ जाएगी। अल्लाह तबारक व ताला इस मजलिस के फैज को आम फरमाए और इस मजलिस की बरकत से अल्लाह हम तमाम के लिए, इस मजलिस को अल्लाह हम तमाम के लिए आखिरत में नजात का जरिया फरमाए और अल्लाह हम तमाम को इखलास अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अमली जिंदगी बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।